हैर तंगेज, जहरीले कोबरे को बाज ने साबुत निगल लिया। सन कर देने वाली हैं तस्वीरें। कोबरा के कहर से आप वाकिफ होंगे। कहा जाता है कि कोबरा का काटा पानी भी नहीं मांगता, लेकिन इस दुनिया में हर शेर का सवा शेर होता है। अगर कोबरा की ताकत उसका डंक है, तो बाज की ताकत है उसकी तेज नजर और फुर्ती। तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में एक बाज ने कोबरा को बता दिया कि वो उस पर कितना भारी पड़ सकता है। गोवातामन गणेशन नामक फोटोग्राफर ने इस पूरे वाकये को अपने कैमरे में क्लिक कर लिया। तस्वीरें आपको हैरत में डाल देने वाली हैं। उनकी ये तस्वीरें तब से इंटरनेट पर वायरल है। मजेदार ये है कि कोबरा भी कोई छोटा मोटा नहीं था, बल्कि इसकी लंबाई 4 फीट थी। जहर से भरे हुए इस कोबरे पर जब बाज की नजर पड़ी तो वो उसकी तरफ झपट्टा। तेनेरी झील के 300 मीटर से कोबरा पर नजर टिकाई ये मादा बाज कुछ मिनट तक तो आसमान में ही उड़ती रही, लेकिन जब लगा कि मुफीद वक्त आ गया है, उसने तेजी से जमीन की तरफ झपट्टा मारी। बाज को अचानक देखकर कोबरा सकपका गया, लेकिन अपनी डंक के आत्मविश्वास से लबरेज कोबरा ने फनकार कर बाज के सामने फुंफकार मारी। बाज चंद सेंटीमीटर पीछे हटा और फिर जो हुआ उसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। इससे पहले कि कोबरा संभल पाता, बाज ने उसका सिर अपने पंजों में बंद किया और उसके बाद बिना वक्त बनवाए कोबरा के 2 टुकड़े कर दिए। अभी कोबरा की तड़प भी खत्म नहीं हुई थी कि निचले हिस्से को साबुती बाज ने अपने मुंह के अंदर डाल लिया। उसका भोजन तैयार था। निचले हिस्से के बाद ऊपर के हिस्से की बारी आई और बाज उसे भी कहां छोड़ने वाला था। इस करतूत को देखकर फोटोग्राफर भी दंग रह गए। बाज को सबसे बड़ा शिकारी पक्षी माना जाता है। यूरेशिया और अफ्रीका में इसकी 60 प्रजातियां पाई जाती हैं। इसके बाहर बाज की सिर्फ 14 प्रजातियां पाई जाती हैं। उत्तरी अमेरिका में 2, मध्य और दक्षिणी अमेरिका में 6 और ऑस्ट्रेलिया में 3। हवा में इसकी गति बेहिसाब तेज होती है। बड़े पंख और मजबूत पंजे इसे शिकार के लिए सबसे खतरनाक बनाते हैं। सभी बाज सांप का शिकार नहीं करते हैं। सांप का शिकार बनाने वाले बाज को स्नेक या सरपेंट ईगल के नाम से जाना जाता है। आम तौर पर बाज की इस प्रजाति को हिंदी में गरुड़ के नाम से भी बुलाया जाता है।